सो दोस्तों, क्या आप भी किसी एक वीडियो की एक्चुअल सोर्स फाइल का नाम पता करना चाहते हैं? मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि किसी का हम व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, अब वो स्टेटस किसी एक मूवी की क्लिप का है, हमें उस मूवी का नाम पता करना है। हालांकि उस स्टेटस को आप डाउनलोड करते हैं या फिर आप यूट्यूब पे भी कई बार ऐसी किसी वीडियो क्लिप को देखते हैं जिसपे उस मूवी का एक्चुअल नाम नहीं शो किया गया है। हो सकता है वो कोई मूवी हो, कोई वेब सीरीज हो या कोई शो हो। किसी भी एक वीडियो क्लिप की सहायता से अगर आपको उसकी एक्चुअल मूवी का नाम पता करना है या किसी एक इमेज की सहायता से आपको एक्चुअल उस मूवी का नाम पता करना है जिस मूवी से वो इमेज या वीडियो लिया गया है, तो कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको चेक कर देता हूँ, मेरे पास भी एक स्टेटस है। अभी मैंने डाउनलोड किया था थोड़ी देर पहले अपने एक दोस्त से, मुझे ये स्टेटस काफ़ी पसंद आया। अब प्रॉब्लम ये थी कि इस स्टेटस को देखकर मुझे ये पता ही नहीं चल रहा था कि ये स्टेटस एग्जैक्टली किस मूवी का है। ऐसा अगर आपके साथ हो तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको उस स्टेटस को डाउनलोड कर लेना है। स्टेटस को डाउनलोड करने के कई सारे ऑप्शंस होते हैं, हो सकता है कि आपको डाउनलोड ना भी करना पड़े, मेनली हमें स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसलिए पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो चूंकि मेरे पास GB व्हाट्सअप है तो मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे स्टेटस में वो चीज़ शो कर रही है। अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को प्ले करना है और वीडियो को प्ले करने के बाद आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब उस वीडियो में एक्चुअल सीन आपको दिखाई दे तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ध्यान रखिए, एक्चुअल सीन जब वहाँ पर आप उसको प्ले करेंगे और प्ले करके पॉज करके देखते रहिए, जब आपको उसका एक्चुअल सीन दिखाई दे तो आपको वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आगे पीछे करते रहिए और एक बार देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे ये सीन दिखाई दे रहा है या फिर मैं आगे स्क्रॉल करके जाऊँगा तो अब मुझे एक्चुअल कोई सीन दिखाई देगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस सीन का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको पॉज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसका क्लिक करते हुए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, आपको उस स्क्रीनशॉट को एडिट कर लेना है अपने इच्छानुसार, जितना आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना उसको बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसको एडिट कर लेना है। तो एडिट करने के लिए यहाँ से हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको डायरेक्टली भी आप चाहते तो वहाँ से भी स्क्रीनशॉट अगर आप ले सकते हैं तो आप वहाँ से भी ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये काम हमारा हो गया, हमने एक्चुअल यहाँ पर जो भी इमेज थी, वीडियो था, उसकी इमेज को सेव कर लिया है। अगला काम आपको ये करना है कि आप कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद ध्यान रखिए, वेब ब्राउज़र ऐसा होना चाहिए जो डेस्कटॉप मोड सपोर्ट करता हो। यहाँ सर्च बटन पे आपको टाइप करना है सर्च बाय इमेज, टाइप करके सर्च कर लीजिएगा। जैसे आप टाइप करके सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब ऊपर 3 डॉट्स पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करके इसी को मैं डेस्कटॉप साइट पर ओपन करूँगा। तो आप डेस्कटॉप साइट पर इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपको अगला काम क्या करना है, यहाँ पे आप इमेज पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। अब आप यहाँ पर, अगर आपको पहले यहाँ पे कैमरा आइकन ना दिखाई दे तो एक चीज़ ध्यान रख के फिर से क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट पे ही ओपन करना है। जैसे आपको कैमरा आइकन दिखा देता है, कैमरे पे हिट करें। हिट करने के बाद अपलोड इमेज पे जाएं। तो यहाँ से मैं अपलोड इमेज पे जाऊँगा, चूज फाइल पे जाएं और चूज फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ से उस फाइल को चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ से फाइल मैनेजर पे जाऊँगा और मैं अपनी उस फाइल को यहाँ से चूज करूँगा। तो यहाँ से मैं टैग करने के बाद आपको उसको वहाँ से अपलोड कर देना है। तो जैसे आप अपलोड करेंगे तो यहाँ से आपको सर्च रिजल्ट्स दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं एवेंजर्स मूवी का नाम शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज के जरिए या वीडियो के जरिए आप उसके एग्जैक्ट सोर्स का पता कर सकते हैं। ख्याल रखें, जब भी आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ऐसा लें जहाँ पर क्लियरली बैकग्राउंड सीन्स वहाँ पर शो करने चाहिए, क्योंकि अगर केवल आप कैरेक्टर का पिक्चर लेंगे तो कई बार कैरेक्टर, क्योंकि कई सारी मूवीज़ में अवेलेबल रहता है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।